अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो सॉरी आवाज़ के लिए, गला स्टिल बहुत ज़्यादा ख़राब है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चिलियोटी कुन्ना। बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है बट बहुत ही मज़ेदार होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली तो ये मटके में बनता है बट मेरे पास नहीं था, सो प्रेशर कुकर में। कुकर में मैंने आधा कप घी डाल लिया है। घी में बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा, वरना आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने मटन ले लिया है हाफ के जी, प्याज ले लिया है रफली चॉप्ड कर लीजिए, एक बड़ी साइज़ की अनियन है, बिग साइज़ की अनियन है वो डाल देंगे। काला ज़ीरा मैंने ले लिया है, बहुत ही कम क्वान्टिटी लेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, यानी कि मतलब हाफ टी स्पून से भी कम, थोड़ा सा बस। कुछ लोग कलौंजी भी यूज़ करते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर काला ज़ीरा नहीं है तो। अच्छा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे लेकिन उसमें पानी मिला के डालेंगे, थोड़ा सा उसको डाइल्यूट कर लेंगे वाटर से, तो वो मैंने कर लिया था, 1 टेबल स्पून डाला था। सॉल्ट अब जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, सॉरी। हल्दी जाएगी इसमें अराउंड 1/2 टीस्पून। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे, मटन का अपना ही इतना अच्छा फ्लेवर होता है कि इसका स्ट्यू बहुत ही मज़ेदार बनता है। कोरिएंडर पाउडर भी जाएगा इसमें 1 टीस्पून। 1/2 kg बना रही हूँ, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी तो फिर आप डबल कर लीजिए। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है सफ़ेद ज़ीरा यानी क्यूमिन। और अब मैं चुटकी इसमें डाल रही हूँ जायफल जावित्री का पाउडर, मेरे पास पीसा हुआ रेडीमेड था, आप चाहें तो पीस के डाल दें अगर आपके पास नहीं है, बट बहुत ही कम क्वान्टिटी यानी कि थोड़ी सी चुटकी भर। 1/2 कप मैंने पानी डाल के अब मैं इसे मिक्स करके अब मैं इसे प्रेशर दे दूँगी। 10-12 सीटियाँ मैंने इस पर प्रेशर दे दी हैं, तो बहुत ही अच्छा सा ये मटन हमारा डन हो चुका था। फिर हम उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक अलग पतीले में और फिर बताऊँगी मैं आपको आगे। अच्छा जी, प्रेशर देने के बाद मैंने उसको एक पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया। मैं थोड़ी सी इसकी भुनाई करूँ ताकि जो भी प्याज वगैरह वो अच्छे से भून जाए, प्याज ऑलरेडी गल चुकी है। अब मैंने इसमें 1/2 कप पानी डाल दिया है ग्रेवी के लिए, आप अपने हिसाब से ग्रेवी देख लीजिए जितना भी आपको ग्रेवी चाहिए। और अब हम इसे 15 मिनट के लिए कुक करने देंगे। मटन ऑलमोस्ट हमारा गल चुका है बट पानी डाल के हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। तो देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट कुक हो गया है, ग्रेवी अभी पत्ती है तो अब हम उसे गाढ़ा करेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून आटे का ले लिया है, उसको अच्छे से घोल लिया है पानी में और अब मैं इसमें मिक्स कर लूँ। थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे, आप कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं होगा, वो ऑलरेडी थिकनेस इसकी आ चुकी है पकने के बाद। तो जस्ट 1 टेबल स्पून आटे का घोल जो बनाएंगे वो इनफ होगा। अच्छे से उसको डाल के मिक्स करके 10 मिनट्स के लिए मज़ीद हम उसे कुक करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कुन्ना चिनियोटी मटका कुन्ना रेडी है। बस उसको अब हम गार्निश कर लेंगे जिंजर से और ग्रीन चिली से। तो बस बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा कुन्ना रेडी है। सो गाइज, डू ट्राई दिस रेसिपी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ चैनल को, और कमेंट में बताएगा कि आपको ये कुन्ना गोश्त कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।